हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। सो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम लोगों ने देखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं, इसका यूज देखा था हमने, ठीक है। यूज क्या था, सबसे पहले हमने फैक्टराइज करना सीखा नंबर्स को, उसका एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखा हमने, ठीक है। अब हम लोग इस फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड एक थ्योरम देखते हैं, उसके बाद हम जो इरेशनल नंबर्स होती हैं, जैसे कि अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, तो इन सब की इरेशनलिटी का जो नेचर है इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले एक थ्योरम जरूरी है जो हम देख लेते हैं, वो थ्योरम क्या है। अगर मैं उसको यहाँ पे नोट डाउन करूँ तो वो थ्योरम ये है कि आप सपोज करिए आपके पास ए कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, ठीक है। सो हमने क्या किया, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, टू से स्टार्ट किए, फिर थ्री से देखिए, फिर फाइव से देखिए, फिर सेवन से देखिए, ठीक है। तो सपोज करो मैं इसको नाम देता हूँ पी वन से कटा, पी टू से, फिर उसके बाद पी थ्री से, फिर उसके बाद पी फोर से। जरूरी नहीं है कि दो से कट जाए ना, तो एक कोई भी अननोन नंबर है, तो हमको नहीं पता कि वो दो से विभाजित होगी कि नहीं होगी, दो से डिविजुअल होगी कि नहीं होगी, थ्री से डिविजुअल होगी कि नहीं होगी, फाइव से डिविजुअल होगी कि नहीं होगी। सो हमने रैंडमली ऐसे प्राइम फैक्टर्स मान लिए कि प्राइम फैक्टर्स पी वन पी टू पी थ्री ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, पी एन तक मान लेते हैं, है ना। एन उसके फैक्टर हैं, कितने फैक्टर मान लिए मैंने, एन फैक्टर। सो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इस चीज को मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू पी वन गुड़े पी टू गुड़े पी थ्री गुड़े पी फोर, ऐसे कहाँ तक लिखेंगे हम, इन टू पी एन तक लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि मैं ए का स्क्वायर कर दूं, मैं ए का स्क्वायर कर दूं तो होगा क्या, इस पूरे साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर P1 into P2 into P3 डॉट डॉट Pn का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से समझ में क्या आता है, यहां से समझ में ये आ रहा है कि जो फैक्टर A के हैं, जितने फैक्टर A के हैं वही फैक्टर A स्क्वायर के भी है, क्योंकि उन्हीं का स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, फैक्टर्स कौन कौन से हुए, P1 हुआ, P2 हुआ, P3 हुआ और वही Pn हुआ। तो जो फैक्टर्स ए के थे वही फैक्टर ए स्क्वायर के हैं, इसका क्या मतलब हुआ, चेंज क्या हुआ, चेंज हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये एक बार थे, यहाँ पर ये दो बार, ठीक है, पावर इनकी टू है। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ए को डिवाइड कर रहा था वही ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या मैं उल्टे अगर मैं अपोजिट वर्ड्स में कहूँ, ठीक है ना, अपोजिट सीक्वेंस में बोले कि जो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो डेफिनेटली ए को भी डिवाइड करेगा। क्यों ए को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ए के ही ए के फाइव फैक्टर्स ही हैं जो हमें ए स्क्वायर में मिलेंगे, ठीक है। सो अगर ए स्क्वायर, तो हम थ्योरम क्या लिखेंगे, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एनी नंबर बी, अगर ए स्क्वायर जो है बी से डिविजिबल है, यानी कि बी इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन ए ऑल्सो डिविजिबल बाई बी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है किसी नंबर से, तो ए भी डिविजिबल होगा सेम नंबर से, ठीक है। सो ये हमारी थ्योरम हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जो हमको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इरेशनैलिटी को। तो मान लेते हैं कि हमारे पास आ गए नंबर अंडर रूट टू, हमें इसके प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये इरेशनल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सो देखो दो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट रूट हमको नहीं पता होता या डायरेक्टली हम काम को नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, उसको दूसरे तरीके से करते हैं। सो यहाँ पे हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली हमारे पास कोई तरीका पता हो, ठीक है, कोई हमारे पास प्रोसेस हो और उस प्रोसेस को हम यूज करें और ऐसा निकल के आ जाए लास्ट में कि ये इरेशनल है। ठीक है, सो ऐसा तो कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा तो कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये मान लेते हैं कि ये जो इरेशनल मैं बोल रहा हूँ, चलो मान लिया कि ये इरेशनल नहीं है, ये क्या है, ये रेशनल है। ठीक है, ये क्या है, ये रेशनल है। चलो ये सपोज कर लिया भाई, हम इरेशनल से नहीं प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं, चलो मान लिए कि ये रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है तो रेशनल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, रेशनल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सो रेशनल की कंडीशन क्या होती है, रेशनल की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा और पी एंड क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ये कंडीशन थी, तो इस कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि लेट्स अंडर रूट टू, लेट सपोज अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, पी एंड क्यू बोथ क्या है, बोथ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है इनमें वो ये है कि पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पी को भी डिवाइड करे और साथ साथ क्यू को भी डिवाइड करे। ठीक है, और वो अगर है तो जो सबके लिए होती है वही है इसके लिए भी। सबके लिए कौन सी संख्या होती है, वन। वन एक ऐसी नंबर है जो सबको डिवाइड कर देती है, सो वन को छोड़ करके और कोई भी नंबर ऐसी नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, हमने इस तरीके से एज्यूम कर लिया। ठीक है, यानी कि एच सी एफ जो है पी एंड क्यू का वो क्या है, वन। चलो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये हमने बना लिया अंडर रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब यहाँ पे मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या होगा, अंडर रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी होगा। अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर करूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा अंडर रूट टू का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करो भाई, इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा टू, और ये क्यू का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर। ओके, सो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर, या इस तरीके से देखो टू इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कोई नंबर है, इसको मान लो हमने एन मान लिया, सो क्या हो जाएगा, टू इंटू एन। सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने पी स्क्वायर को दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया है। मैंने पी स्क्वायर को किस तरीके से लिख दिया, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया। इसका मतलब दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हो गए। सो अगर पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है, प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब टू से डिविजिबल है ना, टू से डिवाइड करेंगे टू टू कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक, सो हम क्या लिखेंगे, सो दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू,
दैट मींस अभी अभी हम लोगों ने थ्योरम देखी कि अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगी. सो हम क्या लिखेंगे, दैट मींस पी इज डिविजिबल बाय 2. पी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा. तो हम क्या लिखेंगे, देन वी कैन राइट पी इज इक्वल टू 2k. वाई के भाई 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल होने का मतलब अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे कुछ टाइम्स जाएगा, कुछ टाइम्स जाएगा ना, जैसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स. सो जितने टाइम जाएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और फिर पी आ जाएगा हमको, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबल तो कट जाएगा ना, यानी कुछ टाइम्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो हमको पी मिल जाएगा. सो पी को हम कैसे लिखेंगे, पी इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2 into k टाइम्स, ठीक है ना, 2k. सो हम पी को 2k लिख सकते हैं. ओके, अच्छी बात है. अब हम इसको देखते हैं. इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लो इसको सपोज कर लिया. सो अब देखिए पी की जगह पे हम 2k लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे पी की जगह पे 2k पुट कर दिया, यहाँ पे कर दो या फिर यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, पी की जगह पे क्या पुट कर दो, 2k पुट कर दो. तो हम करते हैं, जरा देखिए यहाँ पे, ठीक है. तो क्या लिखा हुआ था, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. सो पी की जगह पे क्या पुट करना है मुझको, 2k. जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है, 2q स्क्वायर. अब क्या होगा, अब होगा ये 2 स्क्वायर लगेगा इस पर भी. सो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 to the 4k स्क्वायर. क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर. अब देखो 2 1 2 और 2 2 4. सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, या इस तरीके से 2 into k स्क्वायर की जगह पे मान लो m सपोज कर लिया. सो 2 यहाँ पर भी फैक्टर मिल गया, क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. ये जो क्यू स्क्वायर है ये भी 2 से डिविजिबल, क्योंकि क्यू स्क्वायर में 2 से डिवाइड करो, आप डिवाइड करो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, डिविजिबल है. सो क्यू स्क्वायर भी डिविजिबल है. अब फिर थ्योरम लगाएंगे हम, अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू भी क्या होगा, डिविजिबल होगा. क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. तब हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 into कोई अदर नंबर सी, इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं. सो अभी हमने पहले देखा था, जब मैंने पहले कंडीशन ली थी उसको रेशनल माना था कि भाई क्यू लिखा था, वहां से एक कंडीशन हमको मिली कि जो पी है वो 2 से डिवाइड होगा और पी इज इक्वल टू 2k होगा. और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्यू है ये भी निकल के आ रहा है कि 2 से डिवाइड होगा और 2 into c लिखा जाएगा. सो अगर मैं पी बाई क्यू की बात करूँ, सो पी बाई क्यू की बात करेंगे 2k/2c, तो एक फैक्टर है जिसका नाम है 2. सो ये 2 जो है यहाँ पर भी कॉमन हो गया, 2 जो है यहाँ पर भी कॉमन हो गया, ठीक है. सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैट मीन्स पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर 2, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q के बीच में एक कॉमन फैक्टर है जिसका नाम है 2. लेकिन ये क्या हो गया, ये तो हमारी assumption के ही अपोजिट आ गया ना. हमने शुरुआत में क्या assume किया था, हमने शुरुआत में ये assume किया था कि P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इनका अगर हम HCF कैलकुलेट करेंगे तो 1 होगा. लेकिन यहाँ पे HCF क्या हो रहा है, 2 हो रहा है. इसका क्या मतलब है कि हमारी assumption जो है वो wrong हो गई. हम इसको लिखेंगे, thus we see that our assumption goes wrong. Okay. So, अब क्या होगा, अगर हमारी assumption wrong है तो फिर सही क्या है, सही वो है जो remaining है भाई, सही वो है जो रिमेनिंग है. हमने एज्यूम क्या किया था, ये सारी चीजें क्यों आई, हमने एज्यूम कर लिया था अंडर रूट 2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए ये सारी चीजें आई. इसका मतलब ये एज्यूम करना गलत है. गलत है इसका क्या मतलब है कि अंडर रूट 2 जो है वो रेशनल नहीं है. अभी मुझको यही पता चला है केवल, ये रेशनल नहीं है.
पर्सनल नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी रियल नंबर होती है वो या तो रेशनल होती है और या तो इरेशनल होती है, ठीक है, क्योंकि दो ही नंबर होती है, उनसे मिलकर के रियल नंबर बनती है। पूरे कंप्लीट रियल नंबर में दो ही नंबर हैं, जो कुछ भी है वो रेशनल है, या और जो बचा कुछ बचा है वो क्या है, जो रेशनल नहीं है वो है इरेशनल, ठीक है। तो अगर ये जो नंबर है ये रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो बचा क्या, इरेशनल। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अंडर रूट टू है डेफिनेटली क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर होगी तो वो या तो रेशनल होगी या तो इरेशनल होगी। अगर इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगी, अगर अगर रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इरेशनल, ये क्वांटिटी रेशनल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। सो ये स्टेप है किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक। आप एक्सरसाइज खोलेंगे, एक्सरसाइज 1.3 में आपको तीन चार क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको रूट थ्री को प्रूफ करना इरेशनल है, रूट थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रूट फाइव को प्रूफ करना होगा, ऐसे ही काफी सारे नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे मान लो अब कहीं आया रूट टू आया, अब कहीं तो एक बार तो हम प्रूव कर चुके हैं ना रूट टू इज इरेशनल। सो अगर कहीं क्वेश्चन में बीच में आता है अंडर रूट टू इंटू समथिंग, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट टू इंटू समथिंग भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। सो हमको बार बार इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बीच में क्वेश्चन में आएगा तो हम ये मानेंगे कि हाँ ये इरेशनल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो गिवन क्वांटिटी है वो रेशनल है। अगर रेशनल है तो रेशनल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे, और ये एज्यूम कर लेंगे कि पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो उस बेसिस पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा एजम्पन सही है तो ये रेशनल नंबर होगी, अगर हमारा एजम्पन गलत है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगी। तब क्या होगी, जब रेशनल नहीं होगी तो फिर बचा कौन, बचा इरेशनल, इसका मतलब नंबर क्या होगी, इरेशनल होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया अंडर रूट टू को प्रूफ किया, वैसे ही हम कर सकते हैं अंडर रूट थ्री को, ये क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। सो हम मान के चल रहे हैं कि अंडर रूट थ्री को हमने इरेशनल प्रूफ कर लिया है, ठीक, क्योंकि सेम प्रोसेस है, ओके। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 -√3। अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि 5 -√3 जो है वो इरेशनल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो हम क्या मान लेंगे इसको, हम मान लेंगे कि ये क्या है, ये रेशनल है, हमने मान लिया कि ये रेशनल है। अब अगर रेशनल है तो रेशनल की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करे। रेशनल की कंडीशन क्या है, कोई भी रेशनल नंबर होगी तो हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी कामा क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको आप एक काम करो ना, इस अंडर रूट थ्री को इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ। अब क्या होगा, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 5 -P/Q इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 -P/Q इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। अब यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 5 Q -P/Q इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, ठीक है। मैंने यहां पर क्या एज्यूम किया है कि P और Q दोनों इंटीजर हैं। सो जब मैं P और Q की कोई भी वैल्यू रखूंगा, कोई भी इंटीजर की वैल्यू रखूंगा, सो ये हमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिलेगा, जहां पर ये भी इंटीजर होगा, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। इसका मतलब ये वाला जो साइड हमको दिख रहा है, ये जो 5 Q - P/Q दिख रहा है, ये तो डेफिनेटली रेशनल है। ये क्या है, रेशनल है, इसको कहने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमको दिख रहा है वो तो रेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रेशनल है। ये हमारे एज्यूम करने से नहीं आया है, ये तो बाय नेचर आया है, क्योंकि
क्योंकि क्यू और पी दोनों को हमने इंटीजर मान लिया, तो इंटीजर रखेंगे तो इरेशनल मिलेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, इरेशनल है। अब जरा मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, सो राइट हैंड साइड पे क्या मिला हमको, रूट थ्री। और हम जानते हैं कि रूट थ्री जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे रूट टू को प्रूफ किया, ऐसे रूट थ्री को भी हम इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। सो ये इरेशनल है। तो यहाँ पर तो दिक्कत हो गई ना, यहाँ पर दिक्कत हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड को बोला जा रहा है कि रेशनल है और बराबर भी लगा है, राइट हैंड साइड को बोला जा रहा है कि इरेशनल है। तो क्या कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टेटमेंट आया कहाँ से? ये स्टेटमेंट आया इस स्टेटमेंट से, ठीक है। ये स्टेटमेंट कहाँ से मिला हमको? ये यहाँ से मिला। यहां से कैसे मिला कि जब मैंने 5 माइनस रूट थ्री को p by q में अज्यूम किया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सो 5 माइनस रूट थ्री जो है p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और ये हमने क्यों लिखा था जब हमने माना था कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, रेशनल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 माइनस रूट थ्री रेशनल है ही नहीं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो जब रेशनल नहीं है तो रियल नंबर में और क्या बचा, इरेशनल। तो हम बोलेंगे सो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। 5 माइनस रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है। सो इसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी ये देखा 5 माइनस रूट 3 इरेशनल, ठीक है ना, ऐसे ही हमको काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, जरा इसको भी देख लेते हैं। सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। सो यहीं पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट थ्री इज रेशनल। मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि 3√2 जो है वो रेशनल है। अब जब 3√2 रेशनल है तो रेशनल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर 3√2 जो है वो रेशनल है, मैं यहाँ पर लिखूं कि 3√2 की बात कर रहे हैं हम, 3√2 को हमने रेशनल मान लिया, रेशनल मान लिया तो 3√2 को क्या लिखेंगे हम, p by q। हम 3√2 को p by q के फॉर्म में लिखेंगे, p by q के फॉर्म में लिखेंगे, जहां p और q को हम लोग क्या मान रहे हैं, इंटीजर मान रहे हैं। सो अब क्या होगा, अब अगर मैं यहां से इसको थोड़ा सा सेट करूं, अरेंज करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि ये जो 3 है क्या मैं इधर ले जा सकता हूं, इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई 3 क्यू। सो अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखूं, अगर मैं राइट हैंड साइड को देखता हूँ, सो एकदम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इंटीजर, ये इंटीजर। सो जो भी मिलेगा ये क्या होगा, ये कम्प्लीटली क्या होगा, इंटीजर। यानी कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पर न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर है, और दोनों क्या है, इंटीजर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सो हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है हमारा वो पक्का रेशनल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और ये जो रेशनल मिल रहा है हमको, ये बाय नेचर मिल रहा है, यहाँ से देखो इसकी नेचर से मिल रहा है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया राइट हैंड साइड रेशनल। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अंडर रूट 2 है। और ये तो सबसे पहले हम प्रूव किए हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो क्या कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये जहां से आया है वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, यानी कि 3√2 जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या, ये कब आया था, जब मैंने रेशनल माना था। भाई रेशनल मानेंगे तो रेशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो रेशनल को कंडीशन, रेशनल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। जब रेशनल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, दैट मीन्स 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने जो एग्जांपल्स थे उनको देखे। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोग एक्सरसाइज 1.3 में जो दिया है सेम इसी के तरीके से क्वेश्चन में रखे हैं, आप उनको ट्राई करें और अगर कोई डाउट है तो उसको आप पूछें, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।